मतलब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं वजाद बुखारी और आपको आपको हम दिखा रहे हैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ राहुल यादव से किया गया इंटरव्यू, जिसमें हमने उनसे तमाम तर प्रोजेक्ट्स के हवाले से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। डेवलपमेंट के हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या क्या जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज हैं जो अभी चल रही है पुंछ में? गवर्नर साहब की विजिट के बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट जो थे वो स्पीड अप हुए हैं, और जैसी ऑनरेबल गवर्नर साहब की हिदायत थी उसके तहत हमने जो है स्टेडियम का वर्क जो है वो स्टार्ट कर दिया है, और इंडोर स्टेडियम का वर्क हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जो एक हमारा एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी पुंछ डिस्ट्रिक्ट की, पुंछ सिटी की, रिगार्डिंग सर्कुलर रोड, तो उसका भी हमारे तरफ से जो है वो प्रोग्राम पूरा जो उसका DPR बनके गवर्नमेंट को सबमिट हो चुका है, एंड वी आर होपफुल कि वो जल्द ही वो अप्रूव हो जाएगा और उसमें भी प्रोग्रेस होगी जी। इसके अलावा भी जो ऑनरेबल गवर्नर साहब की हिदायत के तहत जो कमिश्नर सेक्रेटरी PDD PWD और PHE हैं, उन्होंने यहाँ पर पुंछ में एक डिटेल पूरा जो है एक रिव्यू लिया था जो हमारी डेवलपमेंट स्कीम है डिफरेंट महकमा से रिलेटेड, तो उसमें हमारी जो 132 KV लाइन है और जो उससे रिलेटेड हमारे रिसीविंग स्टेशंस हैं उनका जो रिलेटेड वर्क है वो भी बहुत जल्दी जो है स्पीड अप हो जाएगा। हमारी 132 KV लाइंस की जो टावर्स की लोकेशन है उसके लिए हमारा लैंड एक्विजिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, और वी आर होपफुल कि वो नेक्स्ट जो स्टिपुलेटेड टाइम है उसका 15 मंथ उसमें हम जो है उस लाइन को कंप्लीट कर पाएंगे जी। इसके अलावा जो हमारे उस लाइन के से रिलेटेड जो हमारे रिसीविंग स्टेशन है उनका भी वर्क जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर की हिदायत के तहत जो हमारा एक पोथा में एक रिसीविंग स्टेशन और एक रिसीविंग स्टेशन मैंडर में उसके अपग्रेडेशन का काम जो है स्टार्ट होने वाला है जी। हाँ सर, इसमें अगर PHE की अगर बात करें सर, तो PHE में क्या क्या नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं? ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जैसे सुरनकोट में, महेंद्र में थे, पुंछ में, और ताकि पानी का जो सिस्टम है वो बेहतर से हो पाए, तो उसमें क्या कुछ? PHE में हमें जो हमारे 23 स्कीम्स हम नेक्स्ट 2 मंथ में कंप्लीट करेंगे, जो हमारी बहुत लॉन्ग टर्म से ये पेंडिंग थी, तो कमिश्नर सेक्रेटरी PHE की हिदायत के तहत ये एक्सिन PHE जो है वो 2 मंथ के अंदर हमारी 23 स्कीम्स पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा भी जो हमारा जो हैंड पंप्स है उसके लिए भी सर्वे चल रहा है, और फिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली वो भी हम पूरे ज़िले में जो हमको 60-70 के अराउंड हम हैंड पंप पूरे डिस्ट्रिक्ट में लगाएंगे जी। सर अगर बात करें म्यूनसिपैलिटी की, तो पुंछ की जो म्यूनसिपैलिटी है इसमें पहले अच्छे एक्शन भी हुआ करते थे 2-4 साल पहले हम देखते थे, लेकिन अब जगह जगह से सड़कें टूटी हैं सर, कहीं पर लोग नलके लगवाते हैं, कहीं जगह से कुछ तारें डाली जाती हैं डिपार्टमेंट की जानिब से, तो जगह जगह पर अब वो शहर जो अच्छा खूबसूरत था फिर से खड्डे पड़ गए, पूरी सड़कें खराब हो गई हैं, तो इसको म्यूनसिपैलिटी का जो है एक ब्रीफ रिव्यू नेक्स्ट फ्यू डेज में मैं लूँगा, और उसके बाद जो है एक हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पूरे पुंछ सिटी के लिए बनाएंगे। इन द मीन टाइम हमने ऑलरेडी जो है जो ऑनरेबल एक्स CM मैडम थी उनका कमिटमेंट के तहत जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उनका इंस्टॉलेशन का काम पुंछ सिटी में स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके लिए मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी यहाँ से दे दिया है, और नेक्स्ट फ्यू डेज में वो काम स्टार्ट हो जाएगा, जिसके तहत हम पूरे शहर में स्ट्रीट लाइट जो पुरानी है उनको रिपेयर करेंगे और नई स्ट्रीट लाइट्स भी लगाएंगे। इसके अलावा जो लेन ड्रेन से और रोड से रिलेटेड और एक सफाई से रिलेटेड मसला है उसके लिए आई विल टेक रिव्यू, और बहुत जल्द ही हम उसमें भी एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे, सो दैट हम एक पुंछ सिटी को फिर से जो है उसकी जो रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम है लेन ड्रेन से रिलेटेड वो सब रिजॉल्व हो सके जी। सर एक सेकेंड, अगर हम ये बात करें तो CAPD डिपार्टमेंट जो है उसमें राशन कई बार लोगों को एक बार चावल दे दिए जाते हैं, कभी आटा दे दिया जाता है, और ये अक्सर ये बहाने बनाए जाते हैं कि हमें सप्लाई जो है वो लेट हो रही है, तो इसका आवाम की तरफ से ये चीज़ है कि आप कुछ ऐसा सिस्टम बनाइए कि इस डेट से ये जो खुलेंगे और वो राशन पूरे डिस्ट्रिक्ट में वैसे ही खुलें, क्योंकि लोगों का जो राशन है फिर वो मार लिया जाता है, फिर लोगों को नेक्स्ट टाइम राशन नहीं दिया जाता, तो इस सिलसिले में उसका भी जो है हम अपनी तरफ से जो ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऑर्डर के तहत उसकी जो है टीम बनी हुई है, और मैं इंश्योर करूंगा कि वो जो है टीम जो है वो रेगुलर रिव्यू लें और रेगुलर कॉस्ट चेक करें जो डिफरेंट हमारे डिपोज हैं वहाँ पे किस हिसाब से जो है सप्लाई हो रहा है और किस के तहत जो है वो राशन डीलर को राशन पहुँचाया जा रहा है,
और इसके अलावा हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जब भी हमारे यहाँ से जो है डीलर्स को राशन निकला जो है इशू किया जाए, वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक फोरम में भी रखी जाए, सो दैट लोगों को भी पता रहे कि आप जो है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिपो से इशू हो चुका है राशन डिपो जो है जो डीलर्स हैं उनको, सो दैट लोग अपना जो उनका हक बनता है उसको इंश्योर कर सकें कि उनका जो है वो हक बनता है वो उनको मिले। सर, इसमें कई जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं जिसमें कई बार लोगों के जो काम होते हैं उसमें कई बार पेंडिंग्स रहते हैं, और ये भी होता है कि कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिनके पैसे पड़े रहते हैं, यूसी मांगती रहती है गवर्नमेंट बार बार इनसे, तो यूसी नहीं जाती, जिसकी वजह से सर अगर 14FC की बात करें तो उसमें अभी भी डिस्ट्रिक्ट में पैसा थोड़ा बहुत पड़ा रहता है, तो जिसकी वजह से सेंटर से पैसा नहीं आता, तो लोगों के काम पेंडिंग पड़े हुए, तो इस सिलसिले में सर जो रूरल डेवलपमेंट के जो भी हमारे इस टाइप के इशू हैं कि जिसमें हमारे तरफ से कोई कोडल फॉर्मेलिटीज़ की वजह से अनस्पेंड मनी रहती है, तो हम इंश्योर करेंगे कि ऐसा ना हो, और जो भी गवर्नमेंट से हमें फंड मिलते हैं उसका बिल्कुल ज्यूडिशियस इस्तेमाल हो, और उसके साथ ही जो है वो उसका टोटल मतलब वो पूरा स्पेंड भी हो, कोई भी मनी गवर्नमेंट मनी इस टाइप अनस्पेंड ना रहे और वो अननेसेसरी वेस्ट भी ना हो साथ ही साथ, सो वी विल इंश्योर दैट। सर, एक चीज़ इस चीज़ का कोई ऐसा आपके कोई ऐसा प्लान नेक्स्ट आपके कहीं ऐसी जगह हैं जिसमें ये शिकायत आती है कि कुछ लोग ऐसी जगहों पे क्लर्क हों या कुछ बैठे हैं 10-10, 12-12 साल से, 15-15 साल से, और अक्सर बहानाबाजी ये रहती है कि स्टाफ नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे, उससे एक बड़ा एक करप्शन का एक नेटवर्क बन जाता है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को भी प्रॉब्लम आती है, लोगों को भी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें कुछ ऐसा कहीं एक ऐसी जगह हैं सर, ऐसे ऑफिसेज हैं? ठीक है, ये जो है मैं एक डिटेल रिव्यू करूंगा कि किस टाइप से कौन कौन से जो है महकमा है जहाँ पे बहुत लंबे समय से एक ही जगह पर एक कोई एम्प्लॉय पोस्टेड है, क्योंकि आइडली एक एम्प्लॉय को एक जगह पे एक लिमिटेड पीरियड में रह के दूसरी जगह जो है निकल जाना चाहिए, टेन्योर जो है बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी अ रीजनेबल टेन्योर, सो हम इंश्योर करेंगे कि इस टाइप से जो भी अगर महकमा जाते हैं तो उसमें एक जो है रेशनल बेसिस पे लोगों को रोटेट किया जाए। जी सर, कोई ऐसा मैसेज जो आप लोगों से बात करना चाहें, लोग ऐसे आपको हमारे चैनल के जरिए वो जानना चाहते हैं कि आप किस लेवल पे जो वर्किंग आप देख रहे हैं और क्या क्या उनके लिए जो बेहतरी के जो वर्क्स होंगे डिस्ट्रिक्ट में होंगे और आपकी किस लेवल पे नज़र है हर चीज़ पे, ये लोग जानना चाहते हैं आपकी तरफ से एक मैसेज। सर, मैं लोगों से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी डेवलपमेंट वर्क है उसमें वो हमारा जो है हमारी जो है मदद करें, हमारा सहयोग करें, क्योंकि काफ़ी सारे डेवलपमेंट वर्क हैं जो रोड से रिलेटेड है या फिर PHE की स्कीम से रिलेटेड है या फिर PDD से रिलेटेड है, इसमें लोगों का कोऑपरेशन भी हमें चाहिए होता है। अगर कोई भी रोड अगर बन रही है तो उसके लिए लोग जो है लैंड्स, क्योंकि हमारी जो है लैंड डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, उसमें हम लोगों का तामन चाहेंगे कि वो उस समय हमारी जो है मदद करें कि किस तरीके से जो अगर कोई रोड निकल रही है तो किस तरीके से एक अच्छे तरीके से एक एज पर उसका जो अलाइनमेंट था और जो बेस्ट पॉसिबल रूट है उससे रोड निकले, ना कि जो है हमें जो मौके पे जाके जो म्यूचुअल इन द एंड हमें मौके पे जाके रोड का अलाइनमेंट चेंज करना पड़ता है कई बार, क्योंकि लोकल डिस्प्यूट्स की वजह से वो जो रोड जो है कई बार उसका रूट जो है बहुत ख़राब हो जाता है जी, तो वो सब ना हो। इसके अलावा जो और भी जो महकमा जात है चाहे PHE से रिलेटेड हो या फिर वो जो भी गवर्नमेंट स्कीम अगर कोई बनती है तो आप उसको जो है अगर उसमें कोई भी खामी है तो उसको हमारी नज़र में लाएं, बट एट द सेम टाइम अगर कोई स्कीम बन रही है तो उसको बनाने में गवर्नमेंट की मदद करें, बिकॉज लोगों के किसी भी इलाके का जात को डेवलप होने के लिए लोगों का कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा जो पुंछ की जो आवाम है, पूरे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की आवाम है, उनसे एक्सपेक्ट करूंगा कि वो लोग जो है वो कोऑपरेट करेंगे, सो दैट पुंछ जो है वो एक पुंछ जो है वो उसका जो डेवलपमेंट की जो पेस है वो और ज़्यादा स्पीड अप हो सके। तो आपसे करेंगे एक गुजारिश कि आप CAPD डिपार्टमेंट में बेहतरी आने की कोशिश जो है हम सबको मिलकर करनी है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले अपनी मन की बात में कहा था कि जो चीज यूथ को है वो यूथ कम से कम लोगों तक पहुंचाए, लोगों को समझाए और अपने मुल्क में ताकि बेहतरी आ सके। वो GST के हवाले से एक बार बात कर रहे थे, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर बेहतरी आ सकती है वो सिर्फ इस तरीके से आ सकती है कि राशन जहां जहां से डिपो से जिस डिपो से आपको राशन नहीं मिला या नहीं मिल रहा है, अगर आपको सिर्फ आटा मिला, चीनी मिली, चावल मिले, जो भी आपको डिटेल्स है, अगर आपकी इसके अलावा कोई भी आपकी शिकायत है तो तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और अपने एरिया की प्रॉब्लम बताइए और
पसमंजर न्यूज का नंबर, जो टेलीफोन नंबर हमारा है स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पे हमें जो है व्हाट्सएप कर दीजिए, हम जो है उसे दिखाएंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये चीज इस चीज के हवाले से डिस्कस करेंगे ताकि ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो हल हो सके और जो गवर्नमेंट की तरफ से मुराद आप तक पहुंचाई जा रही है ताकि वो आपको मिल सके और कोई भी शख्स जो है बीच में से आपकी जो चीजें आपके लिए गवर्नमेंट दे रही है वो खा ना सके। इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे, पसमंजर न्यूज को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करें।